हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे अगर आप बिजली का उपयोग करते हैं तो यहाँ पे आपको सतर्क रहने की जरूरत है। यहाँ पे इस वीडियो में हम बताएंगे कि AFIR जो होती हैं वो उपभोक्ता पे किस कारण से होती हैं, वो क्या गलती कर रहे होते हैं जिनके कारण जो है उन पे AFIR कानूनी कार्रवाई जो है की जाती है। चलिए पूरी डिटेल्स आपको बताएंगे कि किन कारणों से कैसे आप जो है सुरक्षित रहेंगे और किन गलतियों के कारण जो है उपभोक्ता पे जो है बिजली विभाग जो है केस करती है। तो देखिए, पहली जो पॉइंट है, अगर आप जो है बाईपास चला रहे होते हैं, बिजली का उपयोग जो है बिना मीटर के जो है आप जो है बाईपास के थ्रू अदर वायर को कनेक्ट करके जो है अगर आप बिजली का उपयोग करते हैं तो उस स्थिति में जो है आपके ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई FIR और फाइन की जाती है। दूसरी जो पॉइंट है वो यह तो ये होती है कि आप बिना कनेक्शन लिए हुए ही आप बिजली का उपयोग कर रहे होते हैं, उस स्थिति में भी आपके ऊपर FIR होती है। ऐसे बहुत सारे जो उपभोक्ता होते हैं वो बिना कनेक्शन लिए हुए ही अपने घरों में या दुकानों में या अपने कृषि पर्पस में जो है बिजली का उपयोग कर रहे होते हैं और पदाधिकारी के नज़र में आ जाते हैं और उनके बाद जो है उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई FIR जो है फाइन कर दी जाती है। तीसरी जो पॉइंट होती है कि अगर आप जो है कनेक्शन भी लिए हुए हैं, ठीक है, और सपोज दैट आपका जो कनेक्शन है वो घर का है और आप जो है इस्तेमाल कर रहे हैं बिजली का उपयोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो आप दुकान कमर्शियल जो है पर्पस में इस्तेमाल कर रहे हैं या एग्रीकल्चर में कर रहे हैं या किसी जो है आटा चक्की मिल में कर रहे हैं, तो उस स्थिति में भी आपके ऊपर FIR कानूनी कार्रवाई की जाती है। तो देखिए, अगर आपका कनेक्शन घरेलू पर्पस के लिए लिए हुए हैं तो घरेलू पर्पस में ही आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, न कि आप किसी दुकान में, कमर्शियल पर्पस में, एग्रीकल्चर में या किसी इंडस्ट्रियल पर्पस में जो है आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि अगर आपका जो है घरेलू कनेक्शन है तो आप दुकान में या कमर्शियल यूज में या किसी और पर्पस में उसका इस्तेमाल नहीं करें, नहीं तो आपके ऊपर भी जो है कानूनी कार्रवाई होती है। तो इस बात का आपका बिल्कुल जो है ध्यान में रखना होगा। देखिए, अभी चौथी जो पॉइंट है ये आपको बिल्कुल कंसीडर करके रखना है। अब देखिए, अभी जो बिहार में जो है अब ऑनलाइन जो कनेक्शन है वो टोटली ऑनलाइन कर दी गई है। अगर आपको किसी भी पर्पस के लिए, चाहे वो घरेलू हो, कमर्शियल हो, एग्रीकल्चर हो या किसी आटा चक्की का मिल या किसी भी पर्पस के लिए अगर आप कनेक्शन लेना चाहते हैं तो टोटली जो है ऑनलाइन आपको जो है कनेक्शन अप्लाई करने होते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे जो उपभोक्ता हैं ये गलतियाँ करते हैं कि वो ऑनलाइन जो है कनेक्शन अप्लाई कर देते हैं, उसके बाद जो है वो घरेलू या कमर्शियल में जो है लाइन को कनेक्ट करके इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो ये बिल्कुल बड़ी भूल है, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। जब तक आपके परिसर में जो है मीटर नहीं इंस्टॉल हो जाती है तब तक आप बिल्कुल भी लाइट को कनेक्ट करके बिजली का इस्तेमाल नहीं करें, नहीं तो आपके ऊपर भी जो है कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए कि अगर आप कनेक्शन अप्लाई कर दिए हैं तो तुरंत जो है आप जो है लाइट को कनेक्ट न करवाएं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्योंकि देखिए, जो अगर आप नया कनेक्शन अप्लाई कर देते हो तो उसके बाद जो प्रोसेसिंग जो टाइम है कम से कम 15 डेज जो है प्रोसेसिंग टाइम लग जाता है। देखिए, इसमें पहली जो प्रोसेस होता है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का होता है। जो आप डॉक्यूमेंट जो है ऑनलाइन कनेक्शन में जो अप्लाई किए करने में जो है आप जो है सबमिट किए हैं उसकी जाँच पड़ताल की जाती है कि जो डॉक्यूमेंट जो है उपभोक्ता के द्वारा जारी की गई है वो सही है कि नहीं। उसमें आपका आधार कार्ड होता है, फोटो होता है और लैंड रिसिप्ट भी होता है। तो इस बात का यहाँ पे चेक किया जाता है कि आधार जो आपका कैंडिडेट का दिया गया है, लैंड रिसिप्ट उसके नाम पे या फादर के नाम पे है या नहीं, वो सब सारे जो है चेक की जाती हैं। अगर डॉक्यूमेंट जो है सही पाने जाने के उपरांत जो है डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन जो है डन कर दी जाती है। उसके बाद यहाँ पे ड्यूज वेरिफिकेशन की जाती है। ड्यूज वेरिफिकेशन में ये चेक किया जाता है कि आपके ऊपर जो है पहले से कोई कनेक्शन तो नहीं ले रखे हैं, पहले से अगर आपका कनेक्शन है और उसका जो है बिल आप भुगतान नहीं कर रहे हैं और दूसरी कनेक्शन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो इस स्थिति में भी आपका कनेक्शन जो है रद्द कर दी जाती है। तो इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। देखिए, यहाँ पे कनेक्शन से मतलब नहीं है, आपके पास अगर 5 भी 10 भी कनेक्शन है तो कोई इशू नहीं है, मगर वो सारी जो पहले का जो बिजली कनेक्शन है उस पे आप रेगुलर जो है बिल जमा करते आ रहे हो तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। अगर उस पे बकाया ज़्यादा है, सपोज दैट बकाया अगर 5000 से अबव है तो अब उस स्थिति में जो है आपका कनेक्शन जो है रद्द की जाती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका पहले से कोई ड्यूज बकाया है कनेक्शन पे तो उसका बिल जो है भुगतान करके ही आप न्यू कनेक्शन के लिए अप्लाई करें ताकि आपका जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो है आवेदन जो है वो रद्द ना हो।
उसके बाद यहाँ पे टेक्निकल फिजिबिलिटी चेक की जाती है कि जहाँ पे आप जिस जगह के लिए जो है आप कनेक्शन अप्लाई किए हैं उस जगह पे जो है विभाग की जो है तार पोल पहुंची हुई है कि नहीं, यानी इंफ्रा जो है वहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं। अगर इंफ्रा अवेलेबल नहीं होते तो उस स्थिति में जो है आपका जो एप्लीकेशन है वो होल्ड करके रख दी जाती है। जब वहाँ पे जो है विभाग की तार पोल इंफ्रा जो है वहाँ पे अवेलेबल हो जाती है उसके बाद आगे का प्रोसेस जो है आपको डन कर दी जाती है। तो उसके बाद यहाँ पे अगर आपका टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स सारे जो वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद आपके परिसर में जो है मीटर इंस्टॉल कर दी जाती है। उसके बाद जो है मीटर इंस्टॉल होने के बाद जो है आपका बिल जो है जनरेट कर दी जाती है। तो ये सारे प्रोसेस जो है आपको गुजरना होता है, तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। और देखिए तो ये 5 पॉइंट जो हमने बताया कि क्या क्या आपको जो है सावधानियाँ बरतना चाहिए और ताकि आपके ऊपर जो है किसी तरह की कानूनी कार्रवाई न हो। और बिजली विभाग से रिलेटेड अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं, चाहे बिहार के निवासी हो झारखंड के निवासी हो, तो उससे रिलेटेड आपको जो है हमारा प्लेलिस्ट जो है इलेक्ट्रिसिटी बिजली के नाम पे बना हुआ है, उस पर आप वीडियो जाके देख सकते हैं। और कैसे इसमें कनेक्शन करना है, कैसे मीटर इंस्टॉल करवाते हैं, कैसे आप जो है बिल को सुधरवाते हैं, कैसे आप लाइन कटवाते हैं, कैसे एप्लीकेशन लिखना होता है, सारी डिटेल्स वीडियो आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। अगर आपको किसी और टॉपिक्स पे या किसी तरह का क्यूरी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट करना ना भूलिएगा। और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो जानकारी के लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो हमेशा आपको मिलती रहे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि दूसरे लोगों को भी जानकारी मिल सके। तो मिलते हैं किसी नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।